बोले निवान शर्मा, सवाल फिर से वही आकर घूम आता है आपकी तरफ। आप लगातार, अभी गोपाल राय भी कह रहे थे कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, कराइए विधानसभा भंग, भाई फिर से वही सवाल उठ रहा है। देखिए बीजेपी, बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं हम, बीजेपी संरचित है, उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई। आर्यो हरीश, जब जो सवाल उठाए जवाब ले लीजिए ना, दीवान बोल रहे हैं। इनके पास कोई तर्क नहीं रह गया, इनके पास कोई पॉइंट नहीं रह गया, ये कुछ भी बोल रहे हैं। पहले कहते हैं कि बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, बेल मिल जाती तो कहते बेल तो किसी को भी मिल सकती है, फिर कहते इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जब इस्तीफा दिया कहते इस्तीफा तो कोई भी, इस्तीफा इस वजह से दे दिया। इनके पास कोई तर्क ही नहीं है। अब तो हद इन्होंने ये कर दी कि एक महिला मुख्यमंत्री इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये इनका महिला विरोधी चेहरा है जो पूरे देश के सामने आ गया है। ये डमी बुला रहे हैं एक महिला मुख्यमंत्री को, ये तो इनको शर्म आनी चाहिए, इस बात इनको तारीफ करनी चाहिए कि दिल्ली को जो है वो अरविंद केजरीवाल जी ने एक और नया बेंचमार्क सेट करके दिया है। ये इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। बीजेपी चारों खाने चित है, आप मेरी बात ये नोट कर लीजिए, अगर बीजेपी को पूरे देश में किसी से मुंह की खानी पड़ी है हर बार, तो वो अरविंद केजरीवाल है। इनके गले की हड्डी है अरविंद केजरीवाल, इनके नाक में दम कर रखा है अरविंद केजरीवाल ने। केवल अरविंद केजरीवाल की राजनीति का तोड़ नहीं ढूंढ पाई है अभी तक, इनकी टॉप टू बॉटम सबने एड़ियां घिस ली है, कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात, जहां तक दिल्ली की जनता की बात है, दिल्ली की जनता के बेटे के ऊपर बीजेपी ने 2 साल से जो कीचड़ फेंका है, जो कीचड़ डाला है, वो लीगल बैटल तो हम जीत के आए हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति अपने ऊपर 100 रुपए का जो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर जब इतना इन्होंने तो निवान शर्मा एक तरह से सही कह रहे हैं ना हरीश खुराना, इमेज बिल्डिंग है ना, जो भ्रष्टाचार के इस मामले में अभी जमानत पर है, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, जमानत पर वो बाहर है, तो इमेज को जो धक्का लगा है ना आम आदमी पार्टी की, अब उसी को वापस सुधारने की ये कोशिश है, इसीलिए इस्तीफा दिया गया। और अगर वाकई पद का लालच नहीं था तो फिर दे देते जेल में रहते इस्तीफा। देखिए हम तो तथ्य की बात करते हैं, मैं तो चैलेंज करता हूँ ये तथ्य बताएं कि इन 2 साल में इनको 25 पैसे का भी कोई सबूत मिला हो भ्रष्टाचार का। ये तो इनकी मनधड़ंग कहानी है। और ये क्या आप कह रहे हैं कि जेल से इस्तीफा दे देते तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाता बीजेपी के लिए। पहले तो इनको 50-50 खोके में विधायक खरीदने पड़ते हैं, अब इनकी फ्री में बैठे बैठे जो है वो सरकारें तोड़ देते हैं, पीएमएलए एक्ट लगा के मुख्यमंत्री को जेल में डाल के, इनके लिए तो बहुत आसान हो जाता। तो क्यों हम देश के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने दें कि आप जब जिसको तोड़ नहीं सकते, जिसको खरीद नहीं सकते, उसके ऊपर पीएमएलए एक्ट में केस लगाइए, जेल में डालिए, उसका इस्तीफा ले लीजिए, नैतिकता चिल्ला चिल्ला के सामने झुके हम। अरविंद केजरीवाल ना इनके सामने कभी झुका है ना कभी झुकेगा, इसीलिए हमने जेल से इस्तीफा नहीं दिया, हमने जेल से सरकार चला के दिखाई। लेकिन अब जब हम लीगल बैटल जीत के पीएमएलए एक्ट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बेल लेना, जिन कानूनों के तहत, जिस एजेंसियों के तहत इन्होंने हमें फंसाया था, इम्पॉसिबल काम को करके अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए, जब उन्होंने लीगल बैटल जीती, फिर जनता के बीच में आप पॉलिटिकल बैटल जीतने के लिए आए हैं, जनता को कह रहे हैं कि मैं आपके बीच में आ गया हूं लीगल बैटल जीत के, अब आपके हाथ में ये निश्चय करना कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। अगर मैं ईमानदार हूं, मैंने दिल्ली के अंदर शिक्षा फ्री की, स्वास्थ्य फ्री किया, मैंने हजारों काम दिल्ली के अंदर करके दिखाए, अगर आप मुझे ईमानदार मानते हो तो मुझे वोट करना, ये बेईमान जो है। चलिए तो ईमानदार और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में अब कौन आगे दिखाई देगा, शुरुआत तो हो चुकी है। आतिशी मलिना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, लगातार हमारे साथ बने रहे।